नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। रांची के डीसी राहुल कुमार सिन्हा आज उतरे सड़क पर और कांटा टोली, रातू रोड और सीरम टोली में निर्माधीन फ्लाईओवर स्थल का किया निरीक्षण। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। लेकिन निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने शहर में बन रहे फ्लाईओवर निर्माण कार्य में तेजी लाने एवं गुणवत्ता कार्य करने का संबंधित सभी अधिकारियों को भी दिया निर्देश। तो वहीं सबसे बड़ी समस्या रातू रोड में ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए संबंधित सभी अधिकारियों को दिया निर्देश। सही सुना आपने। आगे और क्या कुछ कहा रांची के डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने आपको हम सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते चले, रातू रोड में जहां पिलर का निर्माण चल रहा है बैरिकेडिंग लगाकर, तो वहीं बैरिकेडिंग के बगल में ठेला खोमचा, रॉन्ग साइड से गाड़ियों का चलना, सड़क पर वाहन को पार्क करना सबसे बड़ी समस्या है, जिस पर शायद अभी तक किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। रातू रोड की कुछ तस्वीरों को हमने लिया है जो बयां कर रही है कि क्या कुछ परिस्थिति है। हालांकि यह तस्वीर दोपहर का है, फिर भी आप साफ देख सकते हैं कि एम्बुलेंस रेंगते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि मेट्रो गली से पिस्का मोड़ तक सबसे ज्यादा संकरी सड़क है। उसके बावजूद भी ठेला खोमचा, नो पार्किंग जैसी समस्या बनी हुई है। ये हम नहीं, आप खुद तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं। यहाँ की स्थिति सुबह और शाम में बद से बदतर हो जाती है। पब्लिक तो जाम में मरती ही है, लेकिन उस वक्त अफसोस होता है जब एक एम्बुलेंस सायरन देता है और उसे जगह नहीं मिलता है। शायद अब यह उम्मीद कर सकते हैं कि उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के निरीक्षण के बाद इस समस्या को दूर किया जाएगा और जाम के जाम से रातू रोड में चलने वाले लोगों को निजात मिलेगा। तो वही कुछ तस्वीरों को आपको हम फिर से साझा कर रहे हैं कि रातू रोड में चल रहे निर्माण का कार्य कितना तेजी से चल रहा है। आप साफ देख सकते हैं, अब एक तरफ से ब्रिज पर ढलाई करने के लिए सेंट्री का काम शुरू हो गया है, तो वहीं दूसरी ओर कांटा टोली में भी अभी तक ब्रिज का कार्य कहां तक पहुंचा यह तस्वीरें बयां कर रही है। हम आपको और भी रातू रोड की तस्वीरों को साझा करते रहेंगे, तो वहीं कांटा टोली की तस्वीरों को भी साझा करेंगे कि आज रांची के डीसी कहां कहां भ्रमण किए और क्या कुछ निर्माण चल रहा है। जिन मार्गों पर ब्रिज का निर्माण चल रहा है, तकरीबन सभी मार्गों पर आज रांची के डीसी पैदल भ्रमण किए और इससे सभी संबंधित पदाधिकारी और अधिकारियों को कई निर्देश भी उन्होंने दिया है। बहरहाल मीडिया से बात करते हुए रांची के डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। तो वहीं रातू रोड में बन रहे निर्माण कार्य में लगे लोगों ने क्या कुछ कहा, उन्हें भी हम सुनते हैं। देखिए, अभी तो सिरम टोली से लेके मेकॉन चौक तक का जो फ्लाईओवर बन रहा है, मिसिंग एलिवेटेड कॉरिडोर बन रहा है, अभी तो इसका निरीक्षण किया जा रहा है, तो सभी संबंधित अधिकारी भी साथ में हैं। इसके लिए लगभग 2.3 एकड़ ज़मीन अधिग्रहण करने का प्रस्ताव था और उसके लिए जो प्रशासनिक विभाग है वो अर्जन कार्यालय में उसने पूरे के पूरे राशि को जमा करवा दिया है। 28 करोड़ रुपए भूमि के लिए तथा 2.5 करोड़ उसके ऊपर बने हुए स्ट्रक्चर के लिए राशि की ज़रूरत थी। तो जितनी भी भू अर्जन की फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, धारा 11 का नोटिफिकेशन, धारा 19 का डिक्लेरेशन और उस पर धारा 37 के अंदर अवार्ड डिक्लेरेशन, ये सारे के सारे कार्रवाइयाँ समाप्त हो चुकी हैं। इस पूरे एरिया में कुल मिला के 26 अवार्ड्स डिक्लेयर किए गए हैं और 26 अवार्ड्स के अनुसार जितने भी उनके अवार्डधारी हैं, भूस्वामी हैं, उन सभी को आवश्यक दस्तावेज समर्पित करने का निर्देश दिया गया था और अवार्ड के अनुसार सभी अपने अपने दस्तावेज जैसे कि वंशावली, पंजी 2 में रन कर रहे वाले खाते का डिटेल, उनका बैंक अकाउंट नंबर और उनका आधार संख्या, तथा अगर एक अवार्ड में मल्टीपल बेनिफिशरीज हैं तो सभी का आपस में सुलहनामा, समझौता नामा करा के जो नॉर्मल प्रोसीजर्स होते हैं उसके अनुसार सभी से पेपर्स जमा करवा लिया गया है। उसकी प्रारंभिक जांच चल रही है और उसके बाद सभी को भुगतान करवा दिया जाएगा। इस संदर्भ में जितने भी पियर्स बनने थे उन सब का, जैसा आप देख सकते हैं, पियर का काम चल रहा है। पियर बनने के बाद फिर उनकी कैपिंग और उसके फिर गर्डर्स बनाकर लेन बनाने का काम शुरू हो जाएगा। तो बिल्कुल टाइमलाइन के अनुसार ही यह कार्य हो रहा है और समय पर इनको भूमि भी उपलब्ध कराई जा रही है। उम्मीद करते हैं कि जो समय सीमा निर्धारित की गई है उसी समय सीमा के अनुसार यहाँ पर सभी रहितों को मुआवजा का भी भुगतान हो जाएगा, भूमि भी उपलब्ध हो जाएगी और इनका पूरा का पूरा सड़क का फ्लाईओवर का निर्माण कार्य भी ससमय समाप्त हो जाएगा।
सर कांटा टोली जी, चूँकि देखिए बिल्कुल शहर के बीचों बीच जहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके होकर गुजरते हैं, वहाँ पर इस प्रकार का केसेबल इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य होने से डेफिनेटली थोड़ी असुविधा होती है, परंतु पूरे प्रयास ये किया जाता है कि लोगों को मिनिमम असुविधा हो। जहाँ जहाँ पे ज़रूरत पड़ी है आवश्यक ट्रैफिक डाइवर्जन किए ही जा रहे हैं। अभी जैसे रातू में जो पिस्का नगड़ी चौक से लेकर कचहरी चौक तक जो फ्लाईओवर बन रहा है, वहाँ पर कभी अभी निरीक्षण कर हम लोगों ने देखा कि ट्रैफिक में काफ़ी परेशानी आ रही है। तो ऑन द स्पॉट उसका निराकरण करने के क्रम में जो एक्सपर्ट्स एडवाइस मिले वो यही थे कि जैसे जैसे पियर्स बनते जा रहे हैं तो पियर्स का जो फाउंडेशन है फाउंडेशन के समीप में बैरिकेडिंग करके रखी गई। तो अगर पियर के फाउंडेशंस को अच्छे तरीके से निपटा दिया जाता है तो जो उसकी बैरिकेडिंग से उसको हटा दिया जाएगा। तो बैरिकेडिंग हटाने के बाद फिर वहाँ पर थोड़े एक्स्ट्रा मीटरेज मिल जाते हैं, तो फिर वहाँ पर ट्रैफिक का प्रॉब्लम को टू सम एक्सटेंट हम लोग रिलैक्स करा पाएंगे। तो जो डिस्कशंस हुआ उसके अनुसार 31 जुलाई तक उस पूरे इलाके में तकरीबन 83 पियर्स लगे हुए हैं। 83 पियर्स का फाउंडेशन वर्क को दुरुस्त अगर करा दिया जाता है तो जो नीचे हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा विड्थ क्रिएट करा पाएंगे। अभी डेफिनेटली वह वर्चुअली 2 लेन में ही वर्क कर रहा है। ITI बस स्टैंड है काफ़ी ज़्यादा संख्या में, चूँकि लोगों को बस पकड़ने के लिए आना जाना रहता है इसीलिए जाम लग रहा है। परंतु जब वह पूरा का पूरा फ्लाईओवर बनकर समाप्त हो जाएगा तो ऊपर के 4 लेन और नीचे के 4 लेन मिलाकर 8 लेन हो जाएंगे। तो उसके बाद जो भी वहाँ पर ट्रैफिक की परेशानी आती हैं वह खुद ब खुद समाप्त हो जाएगी। उनका यद्यपि जनवरी 25 है कंप्लीट करने का, परंतु वो भी टाइम से पहले चलें क्योंकि वहाँ पर पूरी भूमि उपलब्ध करा दी गई है। पूरा भू अर्जन का कार्य वहाँ पर पहले ही समाप्त हो चुका है, सभी को मुआवजा राशि प्रदान कर दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि वह भी अगले साल के मिड तक उनका भी काम कंप्लीट हो जाएगा, और उनके काम कंप्लीट होने के पहले जो नीचे ऊपर का 4 लेन का वर्क कंप्लीट हो जाता है तो उसको खोलते हुए फिर नीचे के जो सर्विस लेन है उनका वर्क शुरू कराया जाए। तो आइए अभी हम रातू रोड में मौजूद हैं, लगातार आपको तस्वीरों से अवगत कराते जा रहे हैं कि रातू रोड में क्या चल रहा है, कांटोली में क्या चल रहा है, तो डोरंडा में क्या चल रहा है, तमाम तस्वीरों को आप लगातार देख रहे हैं। इस वक्त हम पहुंचे हुए रातू रोड में, आपको हमने दिखाया कि पायाक निर्माण हो गया, गटर का काम हो गया, तकरीबन आधा से अधिक काम हो चुका है, और यहाँ पे अब मैं देख रहा हूँ कि ये कुछ ऊपर में स्लैब बिछाया जा रहा है, इस पर क्या हो रहा है सर? सर ये शटरिंग हो रही है, इसमें डेक स्लैब होगा, अभी ढलाई होगी इसमें। ढलाई का काम शुरू? हाँ ढलाई का, शटरिंग का काम शुरू हो गया, उसके बाद ढलाई होगी, शटरिंग का काम जोरों से। बहुत फास्ट कहेंगे नहीं कहेंगे इसको? हाँ सर ये तो जल्दी जल्दी करना है बहुत, उसमें रांची का यहाँ जाम से भी छुटकारा मिल जाएगा लोगों को। और कितने पाया पे जब हम बात करें, ये जो आपका गटर है चढ़ चुका है? गटर हमारा 6 पाया तक चढ़ चुका है। हाँ जी। और मैं देख रहा हूँ कि ये इसको क्या बोलते हैं जो दोनों तरफ निकलता है, पिलर का दोनों तरफ जो निकला हुआ है? ये तो कंटिलीवर डिस्क के लिए बनाया हुआ है सर, वो करने के लिए। ये तो न्यू मार्केट चौक तक भी मेरे ख्याल से हो गया, बीच में कुछ बाकी रह गया? हाँ बीच में थोड़ा सा रह गया है, यहाँ पे वो केबल का उसका चेंज कर रहे हैं, अंडरग्राउंड कर रहे हैं, उसके लिए वो थोड़ा सा वहाँ पे बस। इस मंथ में वो भी हो जाएगा? हाँ कोशिश पूरी है उसके की इस महीने वो कर देंगे। अब ये तुरंत अब इस पर ढलाई शुरू हो जाएगा? हाँ जी ये डे नाइट काम चल रहा है यहाँ पे, बहुत जल्दी इसमें अब शटरिंग का काम तो शुरू हो ही गया, अब सरिया डालेंगे और उसके बाद ढलाई। रांची के DC भी रातू रोड मुआयना करने आए थे? हाँ आए थे। मैं सुरेश चंदे, मैं यहाँ पे स्टील गार्डर का जो काम चल रहा है इसका इंचार्ज हूँ। तो आज की खबर में बस इतना ही, बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें क्योंकि आपसे हम, आप हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।